बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ कढ़ाई। बीफ को मैंने बॉयल कर लिया है। इसको सिंपल मैंने दो साइज़ के जो नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए थे, टमाटर लिए थे दो, और थोड़ा सा लहसुन लिया था, इसके साथ मैंने इसको बॉयल कर लिया। अभी मैं इसको ओपन करती हूँ तो आपको आप देखेंगे किस तरह इसकी आपको मतलब कैसे ये बॉयल हुआ है। इसके साथ मैंने एक पैन लिया, इसमें मैं ना ये टू साइज इसके टू साइज ना इसमें आयल ऐड कर दूँगी। ये बीफ इसमें मैंने आयल ऐड किया और इसमें ना मैंने एक प्याज छोटा स्मॉल साइज हाफ साइज ना ये जो प्याज है इसको ना मैं ब्राउन कर लूँगी। फिर इसे कलर बहुत प्यारा बीफ का आता है ना। ये टू इंच साइज के ना करी पत्ता लिया था मैंने, टू इंच साइज का ना इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें मैंने स्टोव ऑन कर दिया और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसकी विसल मैं उतारूँगी। ये बीफ जो मैंने बॉयल किया था उसकी विसल मैंने उतार दी है। ये देखें प्याज ब्राउन हो रहा है और कड़ी पत्ते का भी जो उसकी फ्रेगरेंस है और उसका जो स्मेल है वो सारी की सारी इसके अंदर चली जाएगी। अच्छा ये देखें ये जो बीफ है ना मैं चेक कर लेती हूँ कि बॉयल हुआ है कि नहीं। हाँ ये देखें बहुत ही प्यारा देखें ये देखें फोक इसके अंदर चला गया, इसमें के ये गल गया। ठीक है अब एक दफ़ा इसको देखें इसी के साथ। अब आपको थोड़ा सा और इसका कलर ना बहुत ही अच्छा आ जाए। अच्छा जब ये जो बीफ हमने बॉयल किया था इसमें देखिए थोड़ा सा वाटर है, ये थोड़ा सा वाटर इसमें ऐड करेंगे कि इसका जो कलर है इनहेंस हो जाए ज़्यादा। ये देखें इसका कलर मैंने इसमें कर दिया। अभी कुछ भी नहीं इसमें ऐड किया, कोई इंग्रेडिएंट नहीं ऐड किया मैंने ना। ये देखें इसका कलर होगा तो इससे ना ये फ्राई का कलर इज़ अ वेरी गुड। बीफ की जो फ्राई होगी ना और ये करी पत्तों की वजह से इसकी फ्रेगरेंस मतलब जो स्मेल होती है थोड़ी सी ना वो भी बिल्कुल नहीं आएगी। और ईद के गोश्त की थोड़ी सी थोड़ा सा बंदे का दिल इरिटेट हो जाता है कि नहीं नहीं मतलब उससे स्मेल आती ही आती है, इससे सारा का सारा ना असर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है अब इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। ये मेरे साल का ना स्मॉल सा स्पून है। हाँ और ये मैंने ना ओहो सॉरी ये देखें मयरमेंट मैं अपने सालन में सिर्फ एक स्पून डालती हूँ। ठीक है मैंने मयर किया होता है इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा इसमें थोड़ा सा वन हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा और वन फुल स्पून ऑफ रेड चिली वन एंड सम हाफ। ठीक है अब ये देखें आप इसका कलर देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता ना, कुछ भी कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं है। अच्छा इसमें थोड़ी सी ना ब्लैक पेपर जाएगी, इससे ना थोड़ी बहुत जो इसकी फ्रेगनेंस होती है ना थोड़ी सी जो स्मेल होती है ना वो फिनिश हो जाती है। ये देखिए इतना सा ब्लैक पेपर पाउडर। ये देखें ये बीफ की फ्राई हो रही है। अच्छा मैंने ना ये थोड़ा सा सेपरेट कर लिया था एक कप अपने लिए ना सूप, इसमें थोड़ा सा आपको आयल नज़र आ रहा होगा, ये आयल ना मैं स्पून से निकाल के ना इस बीफ मटन बीफ की जो फ्राई है इसमें डाल दूँगी। ये चूँकि मैं डाइटिंग पे तो नहीं हूँ खैर, लेकिन यह कि लंच में फिर इसको पी लेती हूँ तो हो जाता है। इसके साथ साथ मैंने किचन को थोड़ा क्लीन कर लिया, ये जिसमें मैंने बॉयल किया था इसको मैंने क्लीन वॉश कर दिया और चीज़ें समेट दी हैं। आज अब इसमें ना वन टी स्पून जो है ना मैं ना गर्म मसाला जो भून के रखा हुआ है ना मतलब जो नॉर्मल गरम मसाला बाजार से मिला था ना वो सबको भून के ना तो अच्छे से पैन में सही भून के ना कि क्रिस्पी हो जाए तो वो बस मैंने कर लिया। इसमें वन टी स्पून हो जाएगा और आप ये कुक हो जाएगी। अब आफ्टर अ 5 या 10 मिनट आई थिंक सो इट्स रेडी। ये देखें कितनी प्यारी कुक हो रही है, बस तकरीबन रेडी होने वाली है 5 मिनट। अच्छा मैंने ना थोड़ा सा ये देखिए अदरक का एक पीस ना कट कर लिया है मतलब इसके पील्स उतार लिए हैं ये पील। और आज चूँकि मेरा आज सब्ज़ी वाला नहीं आया और मुझे तो ग्रीन चिलीज बहुत पसंद है पर मैंने ले नहीं सकी क्योंकि रेन है, तो रेन की वजह से कोई भी आज वेजिटेबल वाला आया नहीं। अच्छा ये इसके पीसीस करेंगे नाइफ से ना, मैं इसको आपको बताती हूँ मैं कैसे काट करती हूँ। और कोरिएंडर लास्ट में डालेंगे, धनिया को लास्ट में डालेंगे क्योंकि बहुत ही कम है थोड़ा सा पर खैर। तो मैंने ऐसे कर लिया, अब नाइफ की मदद से ना मैं कट करके ना इसको वन पीस को पकड़ूंगी। अब मैं कैमरे को भी पकड़ना है कुछ साथ साथ, अभी मैं ना नाइफ से इसको कट करके आपको ये देखिए इसको कट कर लिया मैंने। अब इसमें ऐड कर देते हैं फ्लेम थोड़ा कम कर देते हैं आप क्योंकि आप सुखा।
छोटी छोटी ना नीचे। इसे हम आपको करेंगे, आपको इसमें कुछ भी कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं है, जो आपके घर में अवेलेबल है वही चीज़ें हैं, वही हैं। इवन दोगे ग्रीन चिली नहीं है तो वो मैंने ऐड नहीं की, उसमें नहीं डाली, कुछ नहीं होता, कुछ कुछ कभी कभी नहीं होता, बंदा ऐसे ही काम कर चला लेता है। धनिया तब डालूँगी जब मैंने ना